हम अपना मटेरियल टेस्टिंग लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे टू डिटरमाइन द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है। और इसमें जो ऑपरेटर्स लगते हैं वो हमारा यहाँ पे वेकेंट ऑपरेटर्स है, बैलेंस है। इसकी हेल्प से हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सीमेंट है उसमें सीमेंट के सारे केमिकल को सही से बाइंड होने में, मिक्स होने में कितने वाटर की ज़रूरत होती है, कितना पानी उसको चाहिए जिसमें वो उसके सारे केमिकल एक्टिव होकर अपना वर्क कर सकें। तो हम देखेंगे हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैसे है। अच्छा, वीकेंड ऑपरेटर्स, ये एक पूरा ऑपरेटर्स होता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें मोल्ड होता है, एक ग्लास प्लेट होती है, ठीक है। और जो हम टेस्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास एक प्लंजर होता है। प्लंजर जो मोल्ड होता है, मोल्ड का जो साइज होता है उसका जो हाइट होती है, मतलब हाइट मोल्ड की हमारे हाइट जो होती है वो 40 mm होती है। और उसका जो टॉप जो उसका टॉप डायर होता है वो 60 mm होता है। और जो बॉटम डायर होता है, वो 50 mm होता है। तो ये हमारा मोल्ड का साइज होता है। अब जिससे हम टेस्ट करते हैं वो होता है हमारा प्लंजर। प्लंजर कुछ हमारा जिसमें ये जो हाइट होती है, ये हाइट हमारी 50 mm होती है। इसका ये जो डाया होता है, डायमीटर होता है, ये हमारा 10 mm होता है। और जो इसकी ये लेंथ होती है, ये हमारी भी 10 mm। ये जो लेंथ होती है इसको हम ऑपरेटर्स में सेट कर देते हैं, बाकी ये जो हाइट होती है इसकी हेल्प से हम कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम ऑपरेटर्स देखते हैं वो कैसे होते हैं और उनको देख के फिर परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कैसे हम कंसिस्टेंसी निकाल पाते हैं। आइए देखते हैं हमारा जो ऑपरेटर्स है वो कैसा है। तो ये हमारा विकेट ऑपरेटर्स होता है। इसमें हम देखते हैं ये पूरा सेटअप होता है, ये विकेट ऑपरेटर्स होता है। इसमें यहाँ पे जो हमारा है डायमेंशन दी होती है, इसकी हेल्प से हम रीडिंग लेते हैं। ये यहाँ पे एक ऊपर वेट लगा होता है जिसका सिर्फ ऊपर वाले इस पोर्शन का वेट होता है 250 ग्राम। और साथ में ये जो रॉड लगी हुई इसका पूरा वेट मिला के ये 300 ग्राम का वेट होता है, ठीक है। और इसकी हेल्प से अब जो मैंने आपको बताया ये हमारी ग्लास प्लेट होती है। ग्लास प्लेट सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जो मोल्ड होता है वो दोनों साइड से ओपन होता है। तो इस ग्लास प्लेट के लगा के हम इसमें सीमेंट का पेस्ट फिल कर सकते हैं ईजिली और उसके बाद उसको टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम ग्लास प्लेट का यूज़ करते हैं। इस ग्लास प्लेट की जो थिकनेस होती है वो 5 mm होती है। ये हमारा जो मोल्ड है इसकी जो मैंने अभी आपको बताया इसकी हाइट जो है 40 mm होती है। जो अपर टॉप डाया है ये हमारा पोर्शन 60 mm होता है और ये जो बॉटम का डाया होता है ये 50 mm होता है। तो ये हमारा मोल्ड हो गया। अब हम बात करते हैं जो मेन चीज़ है वो है प्लंजर। ये हमारा प्लंजर होता है जिसमें मैंने अभी आपको बताया ये जो ऊपर का पोर्शन होता है वो यहाँ पे सेट हो जाता है और ये बॉटम वाले पोर्शन से हम रीडिंग लेते हैं। इसको हम इस टाइप से सेट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने प्लंजर सेट कर लिया है। इसमें यहाँ पर एक पिन लगी होती है जिसकी हेल्प से हम इसको ऊपर इस पिन की हेल्प से हम इसको होल्ड कर देते हैं और अपना प्लंजर या इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए जो नीडल चाहिए होती है, जो भी हमें सेट करना होता है हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं। अब ये तो हमारा ऑपरेटर्स हो गया, हमने सारी चीज़ें जान ली कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हम परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सीमेंट चाहिए होती है, जो इसका मेन मटेरियल है सीमेंट, वो हमें चाहिए होता है। सीमेंट लेते हैं और उसके बाद हम उसमें एक सीमेंट के वेट का कुछ परसेंटेज 30%, 32%, 34% ऐसे करके वाटर लेते हैं और पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बना के मोल्ड में फिल करके उसको चेक करते हैं। चेक करने का जो हमारा पेस्ट हमारा कब कंप्लीट होता है, जैसे जब ये प्लंजर बॉटम से 5 से 7 mm की हाइट पे रुक जाए, 5 से 7 mm की रीडिंग दे, तब हम
मतलब वो हमारा जो पेस्ट बना होता है वो सही होता है, उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक्यूरेट होती है, वो हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं, जो भी सीमेंट का हम लेते हैं, पहले सीमेंट लिया, उसमें हमने 30% वाटर मिला लिया। जब वाटर 30% मिला के पेस्ट बना के हमने इसमें फिल मोड में फिल करके चेक किया, अगर हमें 5 से 7 बॉटम से 5 से 7 mm की रीडिंग मिल जाती है तो वो हमारा पेस्ट सही है। अगर नहीं मिलती है तो जो भी रीडिंग मिल रही है 30% वाटर में, हम उसको नोट डाउन करते हैं और उसके बाद हम फिर से दूसरी सीमेंट लेके दूसरा पेस्ट बनाते हैं और उसमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ाते हैं। हम एक साथ वाटर की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, हमें थोड़ी थोड़ी वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी होती है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे और कैसे उसे यूज़ करेंगे। ये हमारी वेइंग मशीन है, जो हम सीमेंट लेंगे, हमारा जो मोल्ड है वो छोटे साइज़ का है, इसलिए हमें 300 ग्राम सीमेंट जो है सफिशियंट होगी। तो हम इसमें जो ट्रे का वेट है उसको टेयर करके इसको हम ज़ीरो कर देंगे और अब हम 300 ग्राम सीमेंट लेंगे। ये हमारी 300 ग्राम सीमेंट हो गई है, अब हम इसमें पेस्ट बनाएंगे। ये हमारे पास मेजरिंग जार होता है, इसमें हम वाटर ले लेंगे। तो अभी जो हमने 300 ग्राम सीमेंट ली है, इस सीमेंट का हम 30% वाटर लेंगे। तो 30% हमारा जो हो गया वो 90 ml हो गया, इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे और 90 ml जहाँ पे आएगा, ये देखिए ये हमारा यहाँ 90 ml दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 90 ml इसको मेज़र कर लेंगे वाटर। जो ज़्यादा हो जाए तो उसको हटा दें। ये देखिए यहाँ पे मेज़र करके हम 90 ml हमने वाटर ले लिया। अब हम इसके हेल्प से जितना वाटर है इसी में हम अपना पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए हम वाटर एक साथ नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा वाटर करके मिलाएंगे। सीमेंट को और वाटर को मिक्स करने का जो हमारा गेजिंग टाइम होता है, उसे गेजिंग टाइम बोलते हैं, वो हमारा 3 से 5 मिनट के बीच होना चाहिए। उतने में हमें अपना सीमेंट का अच्छा पेस्ट बना लेना है। ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है, अब हम इसको मोड में फिल करेंगे। तो ये हम जो मोड लेंगे वो हम ग्लास प्लेट के ऊपर, ये देखिए ये ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर हम अपना मोड सेट कर लेंगे। इसको आराम से रख के इसमें ये सीमेंट फिल कर लेंगे, हाथ की हेल्प से ही कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसको अच्छे से फिल करेंगे। कम रह जाता है तो उसको और फिल कर, जैसे अभी ये साइड में रह गया है तो उसको हम फिल करके और ट्रॉवल की हेल्प से बराबर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा सीमेंट होगी वो हमारी बाहर ही कर देंगे। सल्फर बराबर कर लिया। पेस्ट बनने के बाद ये देखिए ये नीचे से वाटर निकलने लगता है, लीकेज करने लगता है जब पेस्ट बन जाता है। अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे और प्लंजर की हेल्प से इसको चेक करेंगे कितनी रीडिंग आती है। ये सब हम साइड कर देते हैं, इसको हम हटाएंगे पिन को। इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे ऑपरेटर्स में कोई एरर तो नहीं है रीडिंग में,
तो इसको हम पिन लगा के पहले चेक कर लेते हैं। तो हम कॉर्नर से चेक कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी हाइट 40 mm है और इस उसकी ग्लास प्लेट की हाइट 5 mm है, तो 45 mm टोटल होगी। लेकिन फिर भी जो प्लंजर की हाइट आनी चाहिए वो 40 आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ग्लास प्लेट है उसके ऊपर ही प्लंजर सेट होगा। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। अभी हमारी रीडिंग देखिए 40 दिखा रहा है, एग्जैक्ट 40 दिखा रहा है। इसका मतलब इसकी जो हाइट है इसमें इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, ये 40 तक ही रीडिंग लेगा। ठीक है, तो जब बॉटम से 5 से 7 mm की डिस्टेंस पे प्लंजर हमारा रुक जाएगा तो वो हम रीडिंग नोट कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कितनी है, उस पर रुकता है। इसको हम छोड़ देंगे झटके से। हम देख सकते हैं ये ज़्यादा हमारा डिप नहीं हुआ है, 35 पे रुक गया। मतलब टॉप से ये सिर्फ 5 mm ही अंदर जा सका है, यानी कि अभी ये जो हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी का पेस्ट है ये अभी ठीक नहीं है। तो अब हम इसमें फिर से पेस्ट बनाएंगे और फिर से वाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करेंगे। हम सेम प्रोसेस लेंगे, सीमेंट लेंगे, उसका वेट करेंगे 300 ग्राम उसका वेट लेंगे। उसके बाद इस बार हमने 30% वाटर लिया था, अभी हम 32% वाटर लेके उसका फिर से पेस्ट बनाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो हमारी रीडिंग बहुत ही कम है, 40 था और 40 से ये थोड़ी सी नीचे डाउन हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वाटर की क्वांटिटी वैसे तो हम 2-2% ही बढ़ाते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि रीडिंग बहुत कम आ रही है इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो अभी हम 34% के आसपास 34-35% वाटर लेके इसका फिर से पेस्ट बनाएंगे और फिर देखते हैं हमारी कितनी रीडिंग आती है। अगर वो थोड़ा इसके आसपास होती है तो फिर से हम, अगर आसपास आती है या एग्जैक्ट आती है तो हम उसी हिसाब से अच्छा अभी जो रीडिंग आई है इसको हम नोट कर लेंगे कि हमारे 30% वाटर पे हमारी इतनी रीडिंग आई है। ठीक है, इसको नोट करके हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस बार हमने जो ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया, हमने इसमें 35% वाटर मिक्स किया है। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं पेस्ट काफ़ी सही बना हुआ है। अब हम इसको मोड में फिल करें। अच्छा, एक करेक्शन हो गया है, वो ये है कि हम जो मोड को रखते हैं वो ऐसे रखते हैं, हाइट तो 40 होती है लेकिन इसका जो टॉप डाया है वो 50 होता है और बॉटम डाया 60 होता है। आप प्लीज़ ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम इसको फिल करते हैं जैसे हमने फिल किया था लास्ट टाइम, वैसे इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। सरफेस को बराबर कर लेंगे। एरर हम लास्ट टाइम चेक कर चुके हैं इसलिए हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको छोड़ेंगे तेज़ी से, थोड़ी देर 5 मिनट वेट करते हैं। देखिए अब जो रीडिंग वाला गेज है वो नीचे जा रहा है, कितना जाता है कितना डाउन होता है ये हम चेक करते रहेंगे। ये अभी हम देख सकते हैं हमारी जो रीडिंग है एग्जैक्ट 7 mm आई है ना। तो अभी ये जो 35% पे हमने पेस्ट बनाया है ये हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए बिल्कुल सही है। अब इसी वाटर का रेशियो लेके हम आगे के प्रैक्टिकल, मतलब इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे और फाइनल सेटिंग टाइम इसका निकालेंगे। तो अब हमें पता है कि जब भी हम सीमेंट लेंगे नॉर्मल तो उसमें जो है उसका जो 35% वाटर है वो हमें उसमें मिक्स करना है, जो उसकी कंसिस्टेंसी के लिए काफ़ी सही है। हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो करेक्शन है वो थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये हमारा 60 नहीं है, ये हमारा 50 होगा और ये हमारा 60 होगा। ठीक है, ये हम करेक्शन कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं जो हमारी रीडिंग आई थी, तो हमने सिर्फ 2 ही बार उसको चेक किया है। तो फर्स्ट जो हमने रीडिंग ली थी यहाँ पे हम लिख लेते, तो जो सीमेंट थी हमारी वो तो हमारी 300 ग्राम ही थी। जो हमने वाटर लिया था
हमने कितना लिया था फर्स्ट रीडिंग में 30% सीमेंट का 30%। और जो हमारी रीडिंग आई थी यहाँ पे, जो रीडिंग आई थी वो आई थी कितनी, 30 mm। 30 mm क्या, वो 5 मिनट में डाउन होती चली गई थी, 30 mm रीडिंग आई थी। अभी हम फिर से जब हमने नेक्स्ट फेस बनाया तो हमने उसमें सीमेंट हमारी 300 ग्राम ही ली थी, लेकिन जो वाटर की क्वांटिटी ली थी वो हमने 35% ली थी। और यहाँ पे जो हमारी रीडिंग आई है वो 7 mm हमारी। यानी कि अब जब भी हम जो आगे के प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसमें जो हमें वाटर वाटर का परसेंटेज देना होगा वो 35 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग हो गई और यहीं पे हमारा आज का ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी का प्रैक्टिकल कम्प्लीट होता है। तो ये हमारा आज का पूरा प्रैक्टिकल था, ये सीमेंट का पहला टेस्ट है। अभी इसके और भी टेस्ट है, वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे।